नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए आज मैं आपको एक ये ट्रक आपको सामने जाते दिखाई दे रहा होगा। इस पर ये सामने एक लोहे का बड़ा सा सर्कल, मतलब कि बंडल कह लीजिए, लोहे का कोई कमर्शियल लेवल पे जो है। अब आप ये देखें कि ये ट्रक के ऊपर रखा हुआ, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इसको दोनों तरफ सपोर्ट होनी चाहिए, एक बड़े बड़े से लकड़ी का हो या किसी का हो, जिससे कि इधर उधर एमरजेंसी में इधर उधर ना भाग सके। मान लो ट्रक एक साथ ब्रेक मारते या एक साथ मुड़ जाए गलती से, तो क्या ये रुक पाएगा इतना बड़ा? आप ये देखिए, और अगला जो ट्रक जा रहा है उसमें तो फिर भी बांधा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं दूर तक भी आपको सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही होगी। देखो आप ये देखिए, बिल्कुल नजदीक से मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि दूर से बंधा हुआ भी नहीं है चार तरफ से, कि जो ये बंधा हुआ हो। और ये इसका नंबर भी है। इस तरफ पुलिस को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से असुरक्षित तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो मानक हैं, ट्रक में जो माल ढुलाई है और ये लोहे का बंडल है काफी हैवी, अगर किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो समझ लीजिए कि गाड़ी वहीं की वहीं खत्म। इस तरीके के हादसे से बचने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो ये वाहन चालक है इनको जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने लिखा हुआ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन सावधानी इन्होंने खुद ने कितनी ले रखी ये बड़ी बात है। और अगले ट्रक को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से दयालपुर से अटाली की तरफ अभी जा रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप ये देखिए, मैं आपको साइड से थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा, जितना दिखाया जाएगा। आप ये देखिए, तो कम से कम इस तरीके से कितना ठीक है। आप ये देखिए, आप जुड़े रहे हैं सीधे सीधे तौर पर, लाइव कार्यक्रम है। और ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा कि इतनी सी सपोर्ट है, ज्यादा दो कितना होगा, ज्यादा 3 या 4 इंच का सपोर्ट होगी, जो थोड़ा सा गड्ढा होता है उसमें। अब इनको क्या बांधना ये नहीं चाहिए? आप ये देख लीजिए, ये इस तरीके का है। क्या ये बंधा हुआ नहीं होना चाहिए? चार तरफ बेलों से नहीं बंधा होना चाहिए? देखो बेल भी नहीं बांधी हुई है। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम था सीधा, हमें सिर्फ ये है कि लोगों को दिखा सके, अवेयर करा सके। पुलिस अगर इस कार्यक्रम को देख रही है तो इस तरीके से देखे कि बिना बांधे हुए लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे इसीलिए दिखाया आपको कि भाई ये कहाँ तक उचित है। हमसे इसको बांध के तो रखा हुआ होना चाहिए, आखिरकार इन्होंने बांधे हुआ क्यों नहीं? अगर इधर उधर मान लो एकदम ब्रेक मारनी पड़ जाए तो क्या इतना बड़ा सर्कल जो लोहे का है, पूरा बंडल है, क्या ये हटेगा नहीं? चलिए आप सभी जुड़े रहे, इसी तरीके से आप देखते रहे। मैं आपको और इसके साथ साथ ले जाता हूँ, निकाला। ये देखिए दो ट्रक है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इसमें भी इसी तरीके से। आप सभी जिससे जुड़े रहे, दो ट्रक हैं, आप देख भी रहे होंगे इनका नंबर शायद, ये रहा। अब ये कितना उचित है कितना अनुचित है ये तो पुलिस तय करे, ये ट्रक के संचालक करें, माल ढुलाई वाले करें, जिनका माल है वो देखें। ये देखिए, आप सभी जुड़े रहे। और दयालपुर गांव में जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। जाम दिखा देते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर, ट्रक खराब होने के कारण शायद ऐसा हुआ है। दयालपुर स्थित है, दयालपुर में जाम ही जाम चारों तरफ से। आखिर क्यों जाम है ये हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब, अक्सर जाम ऐसे लग जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, रोजाना यही काम रहता है जी। है जी, ये लगभग ना पाँच यही काम रहता है। एक सेकंड, क्या नाम भाई साहब आपका? तो ये दयालपुर गांव है ना जी?
ये रोजाना ऐसी जाम लग जाम लगता है ना, यही काम रहता है जी। अच्छा सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सुन रही है, लोग जी दो तीन साल से यही काम हो रहा है, जबकि ये रोड बाहर का निकलना था, ये आवाजाही के लिए रोड नहीं है। अच्छा ये जनता के लिए रोड है, लेकिन इस पर ट्रैफिक इतना बढ़ा दिया, हमारे विधायक जी हमारे मंत्री जी हैं कोई कार्रवाई नहीं करता, सब यहाँ पर रोजाना निकलते हैं, यहाँ पर इसी तरह का ट्रैफिक बना रहता है, सब यहीं जाम में खड़े रहते हैं, रोजाना की यही पोजिशन है, यही स्थिति बनी रहती है, गांव के लोगों को निकलना मुश्किल है, गांव की गलियों में से लोग निकलते हैं, रोजाना का यही काम होता है, रोजाना जाम इसी तरह निकलने रहता है, हर आदमी परेशान है, सुबह ड्यूटी का टाइम है, हर लोग परेशान है अपनी ड्यूटी से आने जाने वाले से, गाँवों के अंदर का लोग निकलते हैं, गाँव से अंदर का निकलते हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान है, जबकि ये 33 फुट के रोड से हर लोगों को ट्रैफिक निकलता है, यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, ये रोड बाहर का निकलना था, सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं करती है, हर बार पैसा पास हो जाता है, हर बार पैसा खाया जाता है, इस पर कोई पैसा नहीं लगाया जाता, ये स्थिति हर टाइम बनी रहती है, सारा दिन जाम रहता है, 2-2 घंटे जाम रहता है, ना ट्रैफिक कुछ करता है, ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना मंत्री कोई कार्रवाई करते हैं, आते हैं और निकल के चले जाते हैं, इसी तरह की कार्रवाई करने में उन्हें कोई नहीं है, अब आप देखोगे 1 घंटा इसी तरह जाम में खड़े रहोगे, चाहे कोई बीमार है, एम्बुलेंस है, कोई भी, सब परेशान है। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, देखिए स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने बताया कि भैया हम दुकान के संचालक, दुकान संचालक है ना यहाँ पर, दुकान ये दुकान संचालक कह रहे हैं जी हमारा ग्राहक भी नहीं आ पाता इस चक्कर में, क्योंकि जाम इतना लग जाता है चारों तरफ से, ये ट्रक कैसे खराब हो गया के? खराब हुआ जाम, इतनी पोजिशन बनी हुई है जाम की, ये ट्रक किसका खराब हो गया के? जाम ही निकलने नहीं जाता, कभी ट्रक लाइट जाम, नहीं ट्रक किसका तुम्हारा है? पुलिस भी आती और चली जाती है, कुछ भी कार्रवाई करती। अच्छा ये देखिए ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पुलिस आती और चली जाती है, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं, मंत्रियों के साथ में पुलिस आती है, अपना ट्रैफिक निकाल के अपनी गाड़ियों को निकाल के ले जाती हैं, मंत्री निकल जाते हैं, कोई भी मंत्री आते हो, हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, हमारे विधायक नैनपाल जी आते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, और निकल के उन्हें कोई मतलब नहीं है जाम के, उन्हें अपने आप से मतलब होता है, जनता से पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता उन्हें, जब से कैंप भी बना है यही दिक्कत है, जब से कैंप भी चालू हुआ ना जब से यही दिक्कत है, बच्चे भी निकलने में स्कूल जाने में ट्रैवल स्कूल है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है, स्कूल नहीं जाते हैं हमारे डर के मारे, गाँव की गलियों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा चलता है, जा रहे स्कूल रोड पार सरकार ने रोड पार नहीं कर सकते बच्चे भी, मैं तीन बार सरकार ने रोड पास कर लिया है बाहर का निकालने के लिए, लेकिन हर बार ये कहते हैं पैसा नहीं है पैसा नहीं है, फिर रोड हो जाता है, बाहर का निकालो ना, बाहर का निकालो रोड, देखो काम ये देखे किस तरीके से, आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में, शीशे देखे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम है दयालपुर में, हम भी फंस गए जाम में, क्यों हमें जाना है चुनाव कवरेज में उत्तर प्रदेश, लेकिन अब जब जाम लग गया है 1.5 किलोमीटर लंबा जाम है, काफ़ी समय से जाम लगा हुआ है, आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम है, सीधे सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जाम है और उसका सामना करना पड़ रहा है सभी को, आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर, आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर, देखिए इस तरीके से जाम की स्थिति बन जाती है, पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम है, जुड़ रहे हैं भैया लाइव कार्यक्रम, क्या कैसा टकी है देख कैसा टकी पर जाओ तो वो साढ़े आगे सुना रहा दोनों तरफ जाम जाम दोनों तरफ जाम, ग्राम पंचायत दयालपुर, हम इस समय दयालपुर हैं अटाली की तरफ रास्ते में, लेकिन दोनों तरफ जाम ही जाम है, देख क्या देख
निकल जाए। जुड़ रहे हैं आप और कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर करें जिससे कि अधिकारी तक पहुंचे खबर। अधिकारी देखे पुलिस का कोई कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं, जाम काफी देर से लगा हुआ है। यह शायद छाया से थाने के अंदर का आता होगा, ये दयालपुर या सदर थाने के अंदर आता होगा, लेकिन पुलिसकर्मी कोई समय नहीं है मौजूद। चलिए आप सभी जुड़े रहें, आप सभी दर्शकों का प्यार और भरोसा ऐसे ही बने रहना चाहिए। हम आपको हर एक खबर दिखाने की कोशिश करेंगे जो जो जनता से जुड़ी खबर होगी। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं, देखिए लाइव हमने कार्यक्रम आपको दिखाया सीधे तौर पर। जाम की स्थिति काफी लंबी बनी हुई है, पुलिसकर्मी कोई मौजूद नहीं है, ट्रैफिक से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जाम एक ट्रक बीच में खड़ा उसकी वजह से। हमने दिखाना था वो आपको, एक ट्रक पे ओवर एक सामान लगा लोहे का एक बंडल रखा हुआ था, उसे दिखाना था कि अगर ये ट्रक एकदम ब्रेक मार दे या एकदम काट दे तो सीधा किसी गाड़ी पे गिर सकता है। वो मतलब उसकी सपोर्ट नहीं है, चार तरफ से वो बांधा हुआ नहीं है, लोहे की बेलों से बंधा होना चाहिए था लेकिन वो बंधा हुआ नहीं था। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी तरीके से लाइव कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई और आगे समस्या होगी तो वो भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे और कृपया ये प्रोग्राम शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।